अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी होंडा सेंटर। देखने और सुनने वाले तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ। आज दो हफ्ते के बाद तकरीबन मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ अपने चैनल पे, और मेरी पहली वीडियो है जो कि मैं लाइव आ रहा हूँ अपने चैनल पे। इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियोज़ डाली हैं उसमें मैं फेस टू फेस आप लोगों के सामने नहीं आया। तो आज हम बात करेंगे रेवॉन के बारे में, क्योंकि मैंने अभी ये परचेज़ किया है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये पीछे गाड़ी एक खड़ी है रेवॉन। तो इसका बहुत ज़्यादा इशू आता है, एक गाड़ी की सबसे जो कॉमन मसला है इसमें वो फ्यूल का है। गाड़ी पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाती है, हर दूसरे बंदे का यही इशू आता है। और बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछा था कि सर इसकी पेट्रोल की जो सेटिंग है काइंडली वो ऐसी बता दें कि गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट जो है वो फ्यूल एवरेज दे। तो मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी मैंने जिस वक्त परचेज़ की थी, इसकी फ्यूल माइलेज जो थी वो 10-11 किलोमीटर लॉन्ग पे दे रही थी, और शॉर्ट पे ये मैक्सिमम 6.5-7 किलोमीटर की एवरेज दे रही थी। इसका 1.8 इंजन है, मतलब 1800 सीसी है। और हमारा जो कंसेप्ट बना हुआ है लोगों का वो ये है कि जितना बड़ा इंजन होगा उतना ज़्यादा फ्यूल खाएगी गाड़ी, हालाँकि ऐसा होता नहीं है। जितना बड़ा इंजन होगा फ्यूल उतना कम खाएगी, क्योंकि आपकी जो एक्सेलेरेटर होता है, जो रेस होती है, वो गाड़ी कम लेती है, जिस वजह से फ्यूल की इंजेक्शन जो होती है वो कम होती है। तो आप इसकी सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि अगर जिन भाइयों ने रेवॉन रखी हुई है तो इसकी ट्यूनिंग करवा लें। ट्यूनिंग में क्या होता है कि बहुत से लोग कहते हैं जी ट्यूनिंग के बाद भी गाड़ी क्लियर नहीं हुई, तो उसका मेन मसला क्या होता है मैं आपको बता दूँ। एक होती है ट्यूनिंग, एक होता है जुगाड़। जुगाड़ किसको बोलते हैं कि आपने फिल्टर साफ कर लिए और प्लग साफ कर लिए, इसको जुगाड़ बोलते हैं, इसको ट्यूनिंग नहीं बोलते। ट्यूनिंग में आपकी मुकम्मल चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आपके प्लग होते हैं, प्लग अगर चेक करना है लीक हैं या प्लग की टिप्स ख़त्म हो गई हैं तो प्लग को चेंज कर लें। इसको जो जर्मन गेज होती है प्लग की, जो गैप होता है वो 0.05 होता है या 6 mm आप कर लें। और सेकेंड नंबर पर मैं आपको बता दूँ कि इसका ऑक्सीजन सेंसर, बहुत सी गाड़ियों में ऑक्सीजन सेंसर का इशू होता है। ऑक्सीजन सेंसर इसमें आप अगर जो पाकिस्तानी गाड़ियाँ हैं, सेमी हाइब्रिड की नहीं बात कर रहे, सेमी हाइब्रिड जो रिबॉन आती हैं वो जापान असेंबल्ड होती हैं और वो कस्टम क्लियर होती हैं गाड़ियाँ, तो उनको छोड़ के मैं पाकिस्तानी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। अगर ऑटो ट्रांसमिशन है तो इस गाड़ी की एवरेज आपको 14.5-15, मतलब 14.5 तक देनी चाहिए। अगर 15 नहीं भी जा रही ना, 14.5 तक ये लाजमी इसको माइलेज देनी चाहिए। और मैनुअल है तो 17 किलोमीटर, क्योंकि अभी मेरी गाड़ी दे रही है तो मैं इस वजह से ये वीडियो भी बना रहा हूँ, आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। इसकी थ्रॉटल साफ करवा लें, सेंसर सारे साफ करवा लें, उसके बाद थ्रॉटल की कैलिब्रेशन करवा लें, एयर फ्लो सेंसर खास करके चेक करवा लें, ऑक्सीजन सेंसर, इसमें बहुत ही रेयर मसला आता है ऑक्सीजन सेंसर का। ऑक्सीजन सेंसर का अगर कोड आ जाए AFS हाई वोल्टेज का या लो वोल्टेज का, तो ये गाड़ी क्लियर नहीं होती। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाकिस्तानी गाड़ियों में येलो कलर की वायर आती है ऑक्सीजन सेंसर की, आपने वो सेंसर लगाना है ऑक्सीजन सेंसर, और उसके बाद आपकी थ्रॉटल की कैलिब्रेशन करके आप गाड़ी को ड्राइव करें, और इंशाल्लाह गाड़ी आपकी जो है ना 14.5 से 15 किलोमीटर, 14.5 मैक्सिमम ऑटो देगी और 17 किलोमीटर जो है वो लॉन्ग पे मैनुअल देगी। शॉर्ट रूट की जो इसकी एवरेज की अगर बात कर लें हम, तो शॉर्ट रूट पे ये देती है माइलेज 9.5 से 10 किलोमीटर विद इन सिटी विद एसी, और एसी के बगैर अगर हिसाब लगा लें तो 11-11.5 पे देती है। अब बहुत से लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी मेरी वीडियो देख के कि रेवॉन गाड़ी इतनी एवरेज कैसे दे सकती है, तो मेरे भाई दे सकती है, क्यों नहीं देती। आपकी 100 की स्पीड हो या 100 से नीचे की स्पीड में आप गाड़ी को ड्राइव करें लॉन्ग रूट पे, तो ये 17+ की माइलेज आपको देती है। अगर आप वहीं पे 140-160 पे रख के और आप ये एस्टिमेट लगाएं कि आपकी गाड़ी आपको 14-15 की भी देगी, तो ये बात झूठ है, क्योंकि जितना आपका एक्सेलेरेटर होगा उतनी फ्यूल की इंजेक्शन होगी, उतना पेट्रोल की ये गाड़ी तबाही निकालेगी। तो मैं आपको ऑक्सीजन सेंसर अगर दिखा देता हूँ, इस गाड़ी में मैंने एक लगाया है, अब मुझे नहीं लगता कि वो येलो वायर वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जी गाड़ी का इंजन का जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जो ऑक्सीजन सेंसर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें मैंने वाइट वायर वाला लगाया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है। और इसमें इसी तरह की ये जो स्लीव है ये येलो कलर की, अगर किसी सेंसर की है तो वो आपको इजीली अगर मिल सकता है तो वो लगाएं, इंशाल्लाह फ्यूल की माइलेज जो है वो परफेक्ट देगी आपको। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह फिर हाजिर हूँ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।